गैरसैंण में ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आज राजधानी देहरादून में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर इस घटना का जमकर विरोध किया। इस दौरान पार्टी के नेता रविंद्र जुगराथ ने इस दिन को उत्तराखंड के इतिहास का काला दिन बताते हुए मातृशक्ति पर हुए हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि इसने घटना को एक बार फिर मुजफ्फरनगर खटीमा मसूरी में हुए हादसे की याद दिला दी। जुगराथ ने बताया कि मुख्यमंत्री ने 2018 में नंद प्रयाग घाट की सड़क पर चौड़ी सड़क का आदेश जारी किया गया, जिस फैसले पर यू टर्न ले लिया गया, जिसके बाद बीते 3 माह से सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे महिलाओं और पुरुषों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज कल के प्रदर्शन में जो महिलाओं के नेतृत्व में हुआ। सबसे बड़ी बात कि जिस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच की, कल की बर्बर घटना ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान पुलिस और सरकारी बर्बरता की याद दिला दी है। मुजफ्फरनगर खटीमा मसूरी में यही हुआ जो कल गैरसैंण में हुआ। मातृशक्ति के ऊपर लाठी चार्ज, ये नहीं देखा पुलिस ने कि पैर में पड़ रही है लाठी या सर में पड़ रही है। प्रयाग घाट मार्ग का चौड़ीकरण होगा, लेकिन आज यू टर्न ले लिया है, जिसके कारण 3 महीने से हमारे आंदोलनकारी आंदोलनरत थे और कल उन्होंने प्रथम दिन गैरसैंण में आंदोलन किया। हैंडल करने में पूरी लापरवाही है, असंवेदनशीलता है। खबर डोईवाला से है, जहां गैरसैंण के आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज से गुस्साई राजनीतिक पार्टियों में काफी रोष है। वहीं डोईवाला में आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री अशोक सेमवाल के नेतृत्व में दर्जनों आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के साथ ही पुलिस का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे शांत आंदोलन को उकसाकर पानी की बौछार करना कतई निंदनीय है। सरकार का पुतला इसलिए भूखा है कि एक जो है जन आंदोलन चल रहा था कई दिनों से, आपको भी पता है, मीडिया को पता है, और ये जन आंदोलन जो है इसको जो है इस तरह से लाठी चार्ज जो कर दिया गया है, जो कि एक निंदनीय घटना है उत्तराखंड के अंदर। तो ये शांति से आंदोलन कर रहे लोग, और वो सिर्फ मिलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि दो मुख्यमंत्री जो है वादा कर चुके थे कि जो है उत्तराखंड में जो है ये सड़क बननी चाहिए, तो इसका चौड़ीकरण होना चाहिए, उसको बहुत साल हो गए थे, और वो करने के लिए, सरकार को वो करने के लिए, चिताने के लिए एक शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे, और उस तरह जो है उसको जो है उकसाया गया, और उस तरह से जो काम कराया गया, उस पर लाठीचार्ज जो किया गया, उसमें हमारी बहुत सारी महिलाएं भी हैं। उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र गैरसैंण में चल रहा है, जहां सरकार बजट पेश करने वाली है। वहीं बजट को लेकर लोगों को खासी उम्मीदें हैं। कई लोगों का मानना है कि सरकार इस बार शिक्षा, चिकित्सा और खेती किसानी पर बड़ी सौगात देगी। बजट को लेकर के न्यूज संवाददाता राम गोपाल ने हरिद्वार देहात के लोगों से बातचीत की, क्या कहते हैं आइए आपको दिखाते हैं। गैरसैंण में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, सरकार कल बजट पेश करने जा रही है। जनता क्या मानती है कि जनता की जो राय है वो जानेंगे कि किस तरीके से जो बजट को देखते हैं। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज जी, जैसा कि कल सरकार बजट पेश करने जा रही है, तो क्या मानते हैं कि किस तरीके का बजट जो होना चाहिए? बजट जो होना चाहिए, एक तो रोजगार के, जो हमारे बेरोजगार युवा फिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में बेरोजगार फिर रहे हैं, कोई रोजगार का साधन नहीं है उनके पास। इस क्षेत्र में भी कुछ खास होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए, यानी कि रोजगार बेरोजगार के लिए रोजगार के जो आयात होना चाहिए। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। मैं गौरव कुमार, जिस तरीके से कल बजट पेश होने जा रहा है सरकार का, तो उसको लेकर के क्या मानते हैं, किस तरीके का बजट होना चाहिए, क्योंकि आप व्यापारी भी हो? सही है, बेरोजगारी में भी कदम उठाना चाहिए, जो बेरोजगार जो युवक हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए, और शिक्षा नीति में भी थोड़ा बदलाव करना चाहिए, और क्या कहते हैं, टैक्स पर भी थोड़ा छूट करनी चाहिए, जैसे कि जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा रहे इसके बारे में, यानी कि टैक्स में भी छूट होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी है और युवा है, उनका यही कहना है कि टैक्स में छूट होनी चाहिए। हमारे साथ में जो है एक व्यापारी भी हैं, तेज वर्मा जी, जिस तरीके से कल सरकार का बजट पेश होने जा रहा है, तो उसको लेकर किस तरीके से देखते हैं आप? उसमें तो बहुत उम्मीदें हैं जी। किस तरह की उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि देखो टैक्स में भी कुछ फायदा ही होगा, व्यापार में भी कुछ फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं देखिए जो व्यापारी हैं वे भी कह रहे हैं कि व्यापार में भी कुछ फायदा होगा। जिस तरीके से सरकार जो बजट पेश करेगी, कल किस तरीके का पिटारा खुलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता के लिए किस तरीके की जो है उम्मीदें जो इस बजट में रुकी हुई है। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। उत्तराखंड के लिए इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है? छोटे उद्योग और कृषि क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया जाएगा? उत्तराखंड के बजट पर बीजेपी नेता और उत्तराखंड से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत ने के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की। तो
हमारे साथ उत्तराखंड से सांसद और बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत जी हैं। सर, इस बार के बजट सत्र में क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, बजट सत्र आम जन के लिए और नौजवानों के रोजगार के लिए, रोजगार परक और जन सुविधाओं को लेकर के ऐसा उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो, यह इसमें दिखेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और जिसमें आगामी दशा दिशा और पूरा प्रदेश के अंदर क्या क्या हुआ उसका जो वृत्तांत सुनना चाहिए था विपक्षियों को, उन्होंने सुना नहीं, बहिर्गमन किया, ये दुर्भाग्य की बात है। जहाँ तक उत्तराखंड के बजट की बात है तो निश्चित है, मैंने कहा उसमें चौमुखी विकास झलकेगा। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से उत्तराखंड के लिए किया है, चाहे वो रोडों का मामला हो, हर घर में नल, नल में जल पूरे देश के अंदर, लेकिन उत्तराखंड में 22 तक की योजना, प्रदेश सरकार उसको नीचे तक ले जाने का काम कर रही है, एक रुपये कनेक्शन देने का काम यह किया है। और खेती कृषि के मामले में हम किस तरह उसको और आगे उत्पादन बढ़ा सकते हैं, नौजवान उसमें रोजगार पा सकता है, उद्यम लगा सकता है, यह भी उसके लिए अलग से पैकेज इस प्रकार का दिखे। और छोटी छोटी कारोबार इस तरह का, तो महिला सशक्तिकरण भी उसमें आएगा, तो ऐसे सारे तमाम बिंदु होंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड के प्रति एक, उन्होंने जिस तरह दर्द दिखा, जिस तरह काम किया है, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, नेशनल हाईवे हो, भारतमाला रोड हो, और इतिहास में आज़ाद भारत में पहली बार पहाड़ में ट्रेन चढ़ना, और वो भी रिस्के से मेरी लुच्छा जान रखते और कर्णप्रयाग तक आगे भी उसका सर्वे होना। हमारे साथ उत्तराखंड से सांसद और बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत जी हैं। सर, इस बार के बजट सत्र में क्या कुछ खास होने वाला है? फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। खबरों का सारथी। सीमांत चमोली जिले के थराली ब्लॉक का मैन गांव। वर्ष 2017 तक यह इलाका बेहद दुर्गम था। अगर कोई बीमार होता था तो उसे कंधों पर बैठाकर कई किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता था। यहां के एक दर्जन से ज्यादा गांव की तस्वीर कमोपेश एक जैसी ही थी, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। एक कॉल पर गांव में ही एम्बुलेंस सरपट दौड़ी चली आती है। अब गांव में सड़क जो आ गई है। किसी पेशेंट को हॉस्पिटल तक ले जाना होता था तो हम अपने संसाधनों से, जैसे डंडी कंडी आदि के माध्यम से, यहां से थराली यदि उपचार न मिला तो गोपेश्वर तक के लिए भी हमें जाना पड़ता था। लेकिन जब से ये रोड बनी है तब से हम अपने चिकित्सालय थरारी में 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। मैन गांव जैसे यहां के 13 गांव त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में पहली बार सड़कों से जोड़े गए हैं। यहां बनी 34 किलोमीटर लंबी सड़कें अब करीब 11,000 की आबादी के लिए लाइफलाइन बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ है दुर्गम देवाल ब्लॉक। यहां 13 गांव की करीब 10,000 आबादी पहली बार त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में सड़कों से जुड़ी। सड़क पहुंचने के बाद यहां के लोगों ने जैविक खेती के साथ जड़ी बूटी की खेती को भी बढ़ावा दिया है। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक पीएमजेएसवाई ने 7,137 और पीडब्ल्यूडी ने 2,671 किलोमीटर नई सड़कें बनाई। इन सड़कों से 1,162 बसावटों को जोड़ा गया। करीब 5.5 लाख से ज्यादा की आबादी आजादी के बाद पहली बार सड़कों से जुड़ी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। चमोली में आई आपदा से पूरा देश सदमे में था और फिर दूसरी झील के होने की सूचना ने सबको सहमा दिया था, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस की देवदूत कहे जाने वाली एसडीआरएफ मॉनिटरिंग टीम ने रेड़ी गांव के ऊपर हिमालय क्षेत्र में बनी झील के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाने पैदल मार्गों से जलभराव क्षेत्र को रवाना हुई थी। यहां पूर्व में ग्लेशियर से अत्यधिक मात्रा में पानी रुक गया था, जिससे आमजन में डर का माहौल पैदा हो गया था, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम झील की स्थिति जानने पानी एवं मिट्टी बर्फ के नमूने लेने के साथ ही फ्लड के पानी के नमूने लेने जल भराव क्षेत्र में सबसे पहले पहुंची और 14 घंटे के लंबे एवं दुर्गम सफर को पार कर टीम रात को झील क्षेत्र में पहुंची। टीम के द्वारा वहां पानी के प्रेशर को कम करने के लिए झील के मुहाने को आइस एक्स के माध्यम से खोला गया और वापसी के दौरान टीम के द्वारा बीहड़ एवं ग्लेशियर वाले स्थानों पर रोप हुक भी बांधकर छोड़े गए, जिससे अन्य आने वाली टीमों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और उसके बाद हमने जब उसको देखा तो वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे जो पानी को नीचे आने में अवरोध कर रहे थे, तो मुहाना उसका बहुत कम था, 8 से 10 फीट ही था लगभग। तो उसके बाद उच्चाधिकारियों के द्वारा हमारे डीआईजी मैम और सेनानायक महोदय का हमें निर्देशन मिलते रहा, तो हमारे द्वारा कार्य किया गया। हमने उसको 10 दिन के अंदर वहाँ के लोकल पोर्टर लगाए और स्वयं भी कार्य करते हुए हमने वहाँ पर उसकी जो मुहाना था, निकास था उसका, उसको 10 फीट से लेकर के 90 फीट तक कर दिया। खबर हरिद्वार से है, जहाँ गैरसैंण में आंदोलनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व राज्य मंत्री संजय पालीवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में राज्य सरकार का पुतला दहन कर रही है। गैरसैंण में राज्य आंदोलनकारी शांतिपूर्ण तरीके से सड़क बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने उन पर बर्बरतापूर्वक लाठी बजाई, जो कि निंदनीय है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता से माफी मांगते हुए मुआवजा दिए जाने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के मुख्यालयों में इस गुंडागर्दी वाली सरकार का पुतला दहन करने का काम पूरे प्रदेश में कांग्रेस कर रही है। जिस तरह से कल नंदप्रयाग और घाट मोटर मार्ग चौड़ीकरण को लेकर चमोली के लोगों ने शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करने का काम कर रहे थे, उनके साथ कांग्रेस के लोग भी उस प्रदर्शन में भागीदारी कर रहे थे, यूकेडी के भी लोग भागीदारी कर रहे थे, और जिस तरह से सरकार ने कल उन पर लाठीचार्ज, बब्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करने का काम किया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। ये उत्तराखंड देवभूमि उत्तराखंड है और जिन उत्तराखंड के शहीदों ने इस उत्तराखंड को बनाने में बलिदान दिया, उन्होंने सपने देखे थे, उन सपनों को चकनाचूर करने का काम किया। खबर लक्सर से है, जहां शासन ने सख्ती दिखाई तो उन सभी फ्रंट लाइन वर्करों के तेवर ढीले हो गए जो प्रथम चरण में अपनी बारी के बावजूद टीका लगवाने से इनकार कर रहे थे। अब दूसरे चरण में ये लोग आनन फानन में वैक्सीन लगवाने में जुटे हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा केंद्रों, वैक्सीन रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क भी स्थापित की है और लक्सर CSC के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि प्रशासन की सख्ती के बाद जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी वो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आ रहे हैं। उन्हें डर है कि सरकार उन सभी का ट्रांसफर इधर से उधर ना कर दे। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में राज्य के 20 IAS और 5 IPS अधिकारियों को नामित किया गया है, जिनकी 3 फरवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ब्रीफिंग की जाएगी। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड को पत्र भेजकर अवगत कराया है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से स्टेट गवर्नमेंट को एक कम्युनिकेशन आ रखा है, उसमें लगभग 20 IAS ऑफिसर्स और 5 IPS ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए, ब्रीफिंग सेशन के लिए बुला रखा है 3 तारीख। बाकी ड्यूटी वगैरह वो कैसे रहेगा, उसमें ट्रेनिंग वगैरह कैसे होगी, क्या है, वो इलेक्शन कमीशन की वो है कम्युनिकेशन से उनको दिया जाएगा, उसके बारे में डिटेल्स नहीं है, बट जो जरूर ब्रीफिंग के लिए ऑर्डर आ रखा है। नैनीताल भवाली रोड के टिगरी गांव में आर्मी कैंट आउट हाउस में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 2 किलोमीटर दूर से आग की लपटें साफ देखी जा सकती थी।
सूचना पर मौके पर पहुंची नैनीताल पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने के लिए 2 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार आर्मी कैंट आउट हाउस में 6 परिवार निवास करते हैं। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि आग लगने से किसी प्रकार की कोई जान हानि नहीं हुई है, लेकिन घर के अंदर रखा अधिकतर सामान जलकर राख हो गया। बहुत नुकसान तो बहुत हो गया, बच्चे सबके घर में ही भरा हुआ है, 5-7 जने रहते हैं परिवार का है, पता नहीं कि क्या था, वो तो आग लगते देखा तब पता चला, वो तो उधर से लगती हुई आई एकदम भर करती हुई आ गई एकदम। लोग मौके पर पहुंचे, मौके पर फायर सर्विस भी मौके पर पहुंच गई थी। हमारे यहाँ आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है, लगभग काबू किया जा चुका है अभी तक। कारण ये लोग बता नहीं पाए हैं, शायद शॉर्ट सर्किट ये लोग अभी तक बता रहे हैं, और कुछ ऐसा स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी विधानसभा बनी बहस का अखाड़ा, मुकदमे वापसी पर जमकर हुआ हंगामा, केस वापस के मुद्दे पर जोरदार जिरह, दंगे से लेकर आतंकवादी तक की बात, विपक्ष का वार, सरकार का पलटवार, मुकदमा वापसी, आज का मुद्दा रात 8 बजे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। गैरसैंण में बीते सोमवार को आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज की घटना के बाद श्रीनगर में उबाल है। इस घटना के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए इस घटना की निंदा की। वहीं गढ़वाल विवि के छात्रों में खासा आक्रोश देखने को मिला। इसके साथ ही गढ़वाल विवि में छात्र छात्राओं ने एकत्रित होकर सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि सरकार का इस तरह का रवैया किसी भी हद में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि गैरसैंण में नंद प्रयाग घाट सड़क मार्ग चौड़ीकरण की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज लोकतंत्र के नाम पर काला धब्बा है। तो मैं कड़ी शब्दों में त्रिवेंद्र रावत सरकार और प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है भाजपा सरकार, उसका विरोध करता हूं। और ये कहीं ना कहीं हमारे इस उत्तराखंड की देवभूमि के लिए एक अपशगुन है। और हमारे इस देवभूमि में जिस प्रकार से रामपुर के तिराहा में मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में जो 1994 में जो कांड हुआ था, कल हमको गैरसैंण के भराड़ी सैंण में देखने को वो कांड मिला। जिस तरीके से सरकार की पुलिस द्वारा बर्बर तरीके से जो गैरसैंण में घाट नंदप्रयाग सड़क चौड़ीकरण को लेकर के जो आंदोलनकारी थे उनके साथ जिस तरीके की बर्बरता की गई, लाठीचार्ज की गई, हमारी माताओं बहनों के साथ बदसलूकी की गई, उसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। और यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय में तमाम छात्र संगठन एकजुट होकर के इसका विरोध कर रहे हैं। एक तरफ सरकार जो है ऑल वेदर रोड बना रही है, दूसरी तरफ जो लोग अपनी सड़क को चौड़ी करने की मांग कर रहे हैं ताकि उनके लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो थोड़ा सुविधाजनक हो। कोतवाली मैंगलोर के नजरापुरा गांव का युवक संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। गायब युवक के कपड़े मैंगलोर गंग नहर के पुल पर रखे मिले। वहीं परिजनों ने युवक के नहर में कूदने की आशंका जताई है। युवक के कपड़े मिलने के बाद पुलिस ने गोताखोर पुलिस की मदद से युवक को नहर में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर CO मैंगलोर पंकज गैरोल ने बताया कि गायब युवक के परिजनों की ओर से तहरीर आई है, पुलिस गायब युवक की तलाश कर रही है। इसके साथ ही जल पुलिस गंगवार द्वारा गंग नहर में गोताखोरों की मदद से भी युवक की तलाश लगातार जारी है।
संबंध में बालेंद्र जो है नजर पड़ा के उन्होंने एक थाने में चौकी में तहरीर दी है कि उनका भतीजा अमन कल रात से गायब है, उसके कपड़े और मोबाइल नहर पुल पर रखे हुए मिले हैं। इसकी गुमशुदगी की इनके द्वारा रिपोर्ट तहरीर दी गई है, जिस संबंध में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है, इसमें तलाश की जा रही है। खबर लखसर से है, जहां पत्री थाने में एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लूट की घटना का खुलासा किया है। आपको बताते चले कि 6 दिन पूर्व शाहपुर शीतला खेड़ा में अंग्रेजी शराब की दुकान से 5 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने 10,000 रुपए लूटकर घटना को अंजाम दिया था। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अज्ञात बदमाशों की धरपकड़ के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। शाहपुर शीतला खेड़ा जो थाना पत्री क्षेत्र अंतर्गत आता है, इसमें एक अंग्रेजी शराब की दुकान में एक व्यक्ति को तमंचा दिखा के उसे लूट की गई थी, जिसमें 10,000 रुपये उन्होंने मौके से लेके भागे थे। उसमें एक गाड़ी जो प्रकाश में आई थी वैगनार, उसके पता रहे सुराग सिंह में हमारे जो सी ओ लक्सर हैं और इंस्पेक्टर पत्री हैं, इनके नेतृत्व में एक टीम लगातार लगी हुई थी और इसी क्रम में कल 4 लोगों को सूचना पर अरेस्ट किया गया, जिसमें ये चारों ही इस घटना में शामिल रहे हैं और इसकी तस्दीक भी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।